अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन। आज हमारे स्टूडियो में कलर्स भी बहुत हैं और जज्बा भी बहुत है और रौनक भी बहुत है, क्योंकि हमारे साथ हैं द थ्री लीडिंग लेडीज ऑफ शनास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? लीडिंग लेडी तो उसकी सानिया जी है। अगर आप YouTube पे कमेंट पढ़े जाकर, हम तो ऐसे साथ आगे लीडिंग लेडी के लेफ्ट राइट खड़े होने के लिए। लीडिंग लेडी जो है, अगर मैं बार्बी डॉल हूँ तो ये जो हल्दी डॉल है, हल्दी डॉल द लीडिंग लेडी। हाय ओनली हेयर फॉर सानिया। हाय सानिया जी, बट हेयर कर दिया परफॉर्मेंस। सानिया जी ओनली हेयर फॉर हर, बट एक्टिंग, बट परफॉर्मेंस, बट दिस। अच्छा और बताएं, हल्दी डॉल उसके अलावा क्या नाम रखते हैं आपके? लेकिन मैं आप लोग एक बात बताऊं, काम की सीरियसनेस की नौइयत ये है कि मैं डायरेक्ट कर रही थी मोस्टली, तो मेरा तो साइड करेक्टर था इसमें। मैं बैठी भी चाय पी रही बाहर टेरेस पे, मेरे पास आया फरहान, ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट, मुझे वो लुक्स पे ही समवन आई रियली लाइक द वे ही वर्क्स। आगे कहता है, खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या तुम क्या सोच रहे हो? कहते हैं आपको पता है ये जो मेकअप रूम है इसमें लोग डायलॉग प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं यार रिहर्सल होती है और बातें नहीं होती इतनी। मैंने कहा तो कहते हैं लोग आपस में बहुत डायलॉग करते हैं। तो मैंने एक सीन इतनी दफा सुन लिया था तो मैं बाहर आ गया बेचारा। बट ही वॉज वेरी हैप्पी, प्राउड, शॉक्ड। There were too many emotions on his face, but then, so I'm proud of you. Thank you. तो ये makeup room में बैठकर फिर कितनी dedicated आपको cast मिली है ना, देखें। और यहाँ पे आपसे बात, उधर set पे भी ऐसी होती थी, हल्दी डॉल ये कर दो, ये कहती थी। नहीं, terror. It's a complete personality split. तो आप लोग पहले से एक दूसरे को सब जानते थे ना दोस्ती? तो फिर जब इनको as a director देखा तो क्या? How was the experience? Actually, I think हम सब पूरी fraternity के साथ ये है, क्योंकि हम इतने hats बदलते हैं सब लोग, कि हम बहुत जल्दी adjust करते हैं। Set का अपना एक discipline होता है। ठीक है। अगर उस वक्त ये director है तो फिर ये ही director है। और उस वक्त फिर कभी कोई light moments भी होते हैं, जाहिर है हमसे बड़े जो फोपाज हो जाते हैं, उसमें हम बहुत मजे, हमने बहुत मजे किए। लेकिन आई थिंक हमारी कास्ट ऐसी थी जिसको काम में ही मजा आता है, तो सारे मजे ना हमारे वर्क ओरिएंटेड थे। लेकिन अगर एक एक सीन हम कर रहे हैं और बीच में वो इमोशन हमसे मिस हो गया और हमने कहा नहीं, ये यासर नायक का सानिया जी ने एक दोबारा करेंगे, इसका हाँ 13.5% बढ़ा दे। अच्छा, इनकी ये लाइन है आपसे दोबारा सीन कराने के लिए? कराने के लिए इतना बढ़ा दे, इतना कम कर दे। ओके, परसेंटेज हाइस कितना जाती है? 50-40 या थोड़ा हौला के लिए 12-13 की डिविएशन। ओके, ये पक्के एक्टर थे, ये टोटल 12-13 से ज्यादा की डिविएशन नहीं करते। अच्छा, हम सब अंडर प्ले भी, जैसे मुझे तो आदत हो गई बहुत ज्यादा अंडर प्ले करने की, कुछ चीजें कहीं कहीं कैरेक्टर का इसकी जो पर्सनैलिटी है मारुख की, वो नहीं आवाज दबा के नहीं कर, वो करती है पूरे अपनी पिच पे बात, तो वो मैं कहीं हल्का भी कर, क्यों आनंद करी, क्यों क्यों नहीं वो ऐसे और वो ये और बढ़ा दे इसको, जाने दे इसको। अच्छा है, व्हाट अ सेंसिटिव मीट जला कहती कर दो, मैंने कहा हाँ। बुक्को पे भी जब किया था, लेकिन इतना इसीलिए ये मजा आया कि आप कुछ करके ना आप यासरा की तरफ देखते थे और यासरा कहती थी ओके
बट यार सर कितना मजा आता होगा ना कि व्हेन पीपल आर लिसनिंग टू यू एंड रिस्पेक्टिंग यू एंड यू नो लेटिंग यू डू व्हाट यू वांट टू डू. यार राबिया ऑफ कोर्स एक तो मजेदार बात ये थी कि देखिए हमने एक सीधा फैमिली ड्रामा बनाया था. हम भी वही डिफेंस के घरों में शूट कर रहे हैं जैसे बाकी लोग कर रहे थे. कोई ऐसे को हमने ये नहीं हुआ कि स्क्रिप्ट खुला और हेलीकॉप्टर उड़ना शुरू हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है. एक सादा सा फैमिली की कहानी है. हमने उसमें थोड़ी डायनामिक्स को डिफरेंटली एक्सप्लोर किया. हम जब माँ बाप के कमरे में गए तो हमने उनको एज ह्यूमन बींग्स एक्सप्लोर किया. हम ये लड़का और लड़की जो है ये आपको थ्रू आउट कहीं भी अल्ट्रा रोमांटिक नहीं महसूस होंगे. चीजी हो जाते हैं कभी कभी. हाँ बट वो आराम से हो जाएगा. ये एक अक्वेरियस लड़की है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी कि भाई नहीं इजी कर लेंगे हम. प्यार है तुमसे मुझे, ऐसी कहेगी मुझे प्यार है तुमसे. तो ये जो छोटी छोटी बारीक मुख्तलिफ चीजें, अगर मुख्तलिफ मुझसे कोई पूछे ना कि शनास में क्या है, तो वो ह्यूमन बिहेवियर्स हर तरह के होते हैं. तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि कुछ हमने ना अब थोड़ा सेट कर दिया है. कोई रोएगा तो ऐसे, किसी को प्यार होगा तो ऐसे, कोई खफा होगा तो ऐसे. तो उसको थोड़ा सा ब्रेक किया है, थोड़ा ये हमने इससे ज्यादा और इसमें कुछ नहीं किया. वैसे आपकी कहानी सिंपल नहीं है बाय द वे. आप लोग काफी कॉम्प्लिकेटेड कहानी है अनीसा की. एक तरफ तो वो अपने माँ बाप को, अपनी आइडेंटिटी को ढूंढ रही है, लेकिन थ्रिलर जो साइड पे चल रहा है, जो आपने हमें एक वो डाला है क्या हुआ था, ये गोली क्यों चली, इट्स केप्टिंग अस हुक्ड. मुझे तो उसने बहुत हुक करके रखा हुआ है कि आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट कि हुआ क्या था. अच्छा आपकी कॉफी आ रही है, पहले कॉफी ले लेते हैं. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. थैंक यू. हाजिर है इस पे. ये देखिए एक्टर्स को कॉफी मिली है और बिहाइंड द कैमरा क्रू को कॉफी नहीं. नहीं ऐसा नहीं. पूछा गया तो कहा कि नहीं मेरे लिए सबर ही काफी है. और थैंक यू इंसाफ तराशी चेक. ये सानिया सही पावर जो एम्पावर कर रही है. वो डायरेक्टर से उसकी कॉफी छीन रही है. अजी आप अजी ना भी क्लिक बेट क्लिप देना. इंटरव्यू हो रहा था और सानिया सईद ने यासरा को कॉफी नहीं पीनी थी. बाजी ने उसको डांट दिया, यासरा को डांट दिया. कॉफी नहीं, डबल लाइन में डांट दिया, मैं कॉफी ले. ऐसा क्या, ऐसा क्या हुआ कि इंटरव्यू में सानिया सईद ने यासरा को डांट दिया और फिर सोने पे सुहागा कॉफी भी ले ली. कॉफी छीन ली, कॉफी छीन ली, ये नहीं ली. मतलब हम भी मम्मी चला लेंगे, हमें भी चाहिए व्यू. आइए देखिए फ्यूशिया पे क्या सबसे हुआ. ज्यादा इसी पे आएंगे. शराफत की कोई बात उस पे नहीं आती. अभी अपने आप में कितनी बड़ी एक चीज है ना कि हमसे अक्सर कहा जाता है कि यार को तुम लोग कुछ ढंग की बात पे क्यों नहीं कुछ बना रहे. लेकिन ढंग की बात क्लिकबेट नहीं बनती ना. लेकिन वो जर्नी है ना, जैसे हम दोनों के, हम तीनों ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे एंड आपने इतनी अच्छी बात कही कि वो पहाड़ है उसको सिरकाने के लिए, सही बोला ना, सिरकाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हल्का हल्का वो उसको एक एक पत्थर करके आपको ले जाना पड़ता है ना. आप एक पहाड़ एक वक्त में नहीं उठा के कहीं ले जा सकते, तो एक एक छोटा छोटा पत्थर. तो आप लोग वही कर रहे हैं. वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस. थैंक यू सो मच. अच्छा मुझे बताएं कैरेक्टर को हाँ क्यों बोला, क्या चैलेंज था. वैसे तो मुझे अनीसा एक बताओ क्या स्टोरी है. अच्छा पता सीन ये है कि मैं ना यासरा को बहुत पहले से फैन गर्ल मैसेजेस करती थी. मेरे पास इनका नंबर आ गया. तो मैं इनका काम देखती थी और मैं तो कहती थी आई रियली लाइक, आई रियली होप आई गेट टू वर्क विद यू समडे, प्लीज डू कास्ट मी व्हेनेवर यू डू समथिंग. हाँ हाँ अगले साल कर लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे, तो अगले नवंबर में फ्री होगी. अच्छा मतलब मैंने कहा अच्छा आई कैन बी माई सेल्फ बिकॉज ये आते ही फ्रैंकनेस के कोई ऊपर के लेवल के. ग्रेट, आई कैन बी माई सेल्फ. तो जो है